तस्य प्रसादतः, उसी प्रसाद मात्र से उनकी जो भार्या माने पत्नी गर्भवती हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद दसवे मास वही तस्य कन्या रत्न मजाए, तो एक कन्या का जन्म होता है और कन्या कैसी थी, शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शशि माने चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, वैसे ही वो कन्या प्रतिदिन बढ़ने लगती है। और कहा कि भी क्या पहले लोग क्या करते थे कि यथा नाम तथा गुण, जैसा गुण हो वैसा नाम हो वैसा गुण होना चाहिए, तो उसका नाम कलावती रख दिया। और कलावती जब नामकरण संस्कार भी हो गया जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है नामकरण भी हो जाता है, फिर भी कहता है वैश्य कहता है कि संपत्ति दायकम तदा व्रतम करिष्यामि यदा मैं संतति भवेत, वो पहले कह देता है कि महाराज यदि संतान होगी तो भगवान की पूजा करेंगे, अन्यथा जो है भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो एक भक्त बहुत अच्छा कहता है कि महाराज एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में मुनि आधी, एक घड़ी का मतलब माने 24 मिनट का। महाराज भक्त कहता है कि महाराज ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 24 मिनट तो बहुत ज्यादा है। कहा फिर, कहा एक घड़ी माने 24 मिनट, कहा इसका इसमें भी थोड़ा कम करो ना, कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधा कर दिए 12 मिनट हो गए। कहा कि नहीं महाराज ये भी ज्यादा हो रहा है, उसको भी कम करो ना, उसमें भी कम कर देते हैं, कितना हो गया 6 मिनट हो गया। कहा 6 मिनट भी ज्यादा है, कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनी आधी उसमें भी आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान की भले ही एक मिनट भी ही खड़े हो मगर उनके सामने नमस्कार करना अपना कर्म है, इसलिए कि ये मनुष्य का जीवन भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, कहा ये मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन है और इससे बड़ा जीवन ही नहीं है कोई, देवता लोग भी तरसते हैं। क्या 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है और फिर भी उल्टे काम करोगे तो फिर तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर नामकरण संस्कार हो जाता है फिर भी भगवान की पूजा नहीं करता है, लड़की शादी योग्य हो जाती है, शादी के लिए सुंदर वैश्य गुणवान सुंदर पुत्र को लेकर के पाणि ग्रहण संस्कार भी कर देते हैं, उस समय भी दुर्भाग्यवश जो है उस समय भगवान की भी पूजा उस समय भी नहीं कर पाते हैं। अब इधर क्या होता है, ससुर दामाद दोनों व्यापार के लिए निकल जाते हैं, कहाँ रत्नसारपुरे रम्मे हाथी जितो निर्धना, रत्नसारपुर पर वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर राजा चंद्रकेतु का राज्य था, वहाँ पर जब पहुँचे तो राजमहल में कुछ चोरी करने वाले चोर धन को लेकर के जा रहे थे, जहाँ पर ससुर दामाद वो ठहरे हुए थे वहीं पर उस धन को रख देती है और पीछे सिपाही लगी हुई थी और उनको पकड़ लेती है, इसलिए धन उनके पास था। कहा यही दोनों चोर हैं चोरी करने वाले, राजा के पास लेकर के जाते हैं, कहा राजन ये राजमहल में चोरी करने वाले यही दोनों चोर हैं, इनको क्या किया जाए। कहा कारागारे बिचारी, कहा इनको सीधे जेल में डाल दो महाराज, कुछ विचार करना नहीं है, इसलिए कि जो चोरी करता है या गलत काम करता है उसको जेल में डाल दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाल ही देना चाहिए। तो राजा ने कहा इनको जेल में डाल दो, उनको जेल में डाल देते हैं। इधर क्या होता है देखिए, उनको जेल में डाल देते हैं और इधर लीलावती और कलावती उनके भी घर पे, कहा ताकि दुख दारुण दुख दीन्हा ताके मत पहले हर लीन्हा, कहा कहने का मतलब यही है कि विपत्ति जब आती है तो बताती नहीं है, कम से कम बता दे तो जो है आदमी इंतजाम करेगा उसका, मगर नहीं विपत्ति बताती नहीं है। आती कैसे है, चारों दिशाओं से आती है, चारों तरफ से आती है, बताती नहीं है। तो यहाँ पर दोनों लीलावती और कलावती माँ बेटी की यहाँ भी चोरी हो जाती है, एक अन्न दाने के लिए भटकने लगती है, और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो पड़ोस में ही
भगवान की पूजा हो रही थी, सायंकाल का समय था। बेटी श्रवण करने के लिए जब जाती है तो वहां जाकर के कथा श्रवण करती है, सायंकाल का समय था। वहां से चरणामृत जब कथा संपूर्ण हो जाती है, चरणामृत प्रसाद लेती है, अपने घर आती है, अपने उसकी माँ ने कहा, बेटी इतनी रात की तू कहाँ थी? कहा कि सभी मनोकामना पूर्ण होने वाला भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी, वही प्रसाद लेकर के आई हूँ। उसी प्रसाद मात्र से प्रसादम सर्व दुखानां, प्रसाद मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वही प्रसाद ग्रहण करने से आकाशवाणी होती है राजा को, राजा मंत्री को बुलाता है, कहा कि इन बंदी ग्रहों को तत्काल छोड़ दो और दुगना धन देकर के विदा कर दो। ये प्रसाद की महिमा है। कहा भक्ति श्रद्धा समन्विता, प्रसाद मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो दोनों जो है ना, प्रसाद मात्र से भगवान की आकाशवाणी होती है, राजा मंत्री को बुला करके उनको दुगना धन देकर के विदा कर देते हैं। श्री स्कंद पुराणे निवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय।